मोटो एच 15 नियो भाई इस फोन को पिछले 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ। मीडिया टेकर डायमेंसिटी 7300 का प्रोसेसर इस फोन के अंदर है और 4410 mAh की बैटरी है और 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी और फोन की प्राइसिंग है भाई 23,000 रुपए। तो आज की वीडियो में इस फोन का हम लोग चार्जिंग टेस्ट करेंगे कि 0 to 100% इस फोन को पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। अगर आप इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई ये फोन पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। और हाँ, पूरे चार्जिंग टेस्ट में आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो चार्जर देखने को मिलता है 68 वॉट का और जो टाइप सी केबल देखने को मिलेगी, इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। फाइनली सब कुछ आ गया। ये रही स्टॉपवॉच और इस टाइम पर अगर मैं आपको फोन की बैटरी दिखाऊं तो चलते हैं सेटिंग के अंदर। फोन में भाई 1% बैटरी है। अब आपके सामने यहां पर चार्जर को मैं चार्जिंग के लगाता हूं, स्टॉपवॉच को भी ऑन कर दिया और फोन यहां पर चार्जिंग पर लग चुका है। अब सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इस टाइम पर जैसे मैंने चार्जिंग को स्टार्ट किया तो फोन का टेम्परेचर आपको 30 डिग्री देखने को मिलता है। रूम के टेम्परेचर की बात करें तो 28 डिग्री देखने को मिलेगा एंड चार्जर के टेम्परेचर की बात करें तो 28.4 डिग्री चार्जर का टेम्परेचर है। बाकी अब आपको मिलता हूं 10 मिनट के बाद और देखते हैं कि 10 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी और 4410 mAh की बैटरी को पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। फाइनली फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो मोटो के इस फोन के अंदर भाई जो बैटरी है 34% चार्ज हो चुकी है। सेटिंग के अंदर बैटरी का सेक्शन देखो, यहां पर भी 34% है एंड टेम्परेचर की बात करें तो भाई फोन का टेम्परेचर 36.6 डिग्री पहुंच गया है एंड रूम का टेम्परेचर भाई आप लोगों को 28.4 डिग्री एंड चार्जर के टेम्परेचर की बात करें तो चार्जर का टेम्परेचर भाई 34 डिग्री तक चला गया। तो हाँ, फोन थोड़ा सा यहाँ पर हीट करना स्टार्ट कर गया है। बाकी अब आपको मिलता हूँ 20 मिनट के बाद और देखते हैं 20 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बैटरी की बात करें, 20 मिनट चार्ज करने के बाद फोन में बैटरी भाई 54% चार्ज हो चुकी है। सेटिंग के अंदर बैटरी का सेक्शन 54%, तो यहां पर 20 मिनट के अंदर आपके अंदर जो है आपका फोन जो हाफ चार्ज है वो हो जाएगा। टेम्परेचर चेक कर लेते हैं तो फोन का टेम्परेचर भाई 36 डिग्री यहां पर मेंटेन कर रही है। चार्जर का टेम्परेचर भाई 35 डिग्री यहां पर मेंटेन कर रही है। रूम का टेम्परेचर भाई आप लोगों को 28 डिग्री, तो टेम्परेचर यहां पर मोटो ने इस फोन ने अच्छे से मेंटेन कर रही है। बाकी अब आपको मिलता हूं आधे घंटे के बाद और देखते हैं कि आधा घंटा चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। भाई आधा घंटा फोन को चार्ज पर लगाए हुए हो चुका है। बैटरी की बात करें तो मैं खुद एक्साइटेड हूं, मैंने अभी तक नहीं देखा भाई कितनी बैटरी हुई है। तो फोन में भाई जो बैटरी है 74% चार्ज हो चुकी है। सेटिंग के अंदर अगर हम लोग बैटरी का सेक्शन चेक करें यहां पर भी 74% बैटरी है। अब टेम्परेचर चेक कर लेते हैं तो भाई यहां पर फोन का टेम्परेचर आप लोगों को भाई 37 डिग्री के आसपास देखने को मिल जाता है। तो यहां पर फोन थोड़ा हीट होना स्टार्ट हो चुका है। चार्जर के टेम्परेचर की बात करें तो ये आपको 36 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। रूम का टेम्परेचर भाई आप लोगों को 28-29 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। तो यहां पर जो फोन है वो थोड़ा हीट करना स्टार्ट कर गया और सामने से यहां पर स्क्रीन के ऊपर हाथ रख रहा हूं तो फील हो रहा है कि फोन थोड़ा गर्म हो गया। बाकी आपको मिलता हूं 40 मिनट के बाद और देखते हैं कि 40 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली 40 मिनट हो चुके हैं और बैटरी की बात करें तो 40 मिनट चार्ज करने के बाद भाई फोन में 95% बैटरी चार्ज हो चुकी है। सेटिंग के अंदर देखो बैटरी का सेक्शन 95% और फोन को पूरा फुल चार्ज होने में ये 2 मिनट बता रहा है। बाकी देख लेते हैं कितना टाइम लगता है एंड टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो भाई फोन का टेम्परेचर 36 डिग्री, काफी अच्छे से मेंटेन किया है फोन ने टेम्परेचर को। चार्जर का टेम्परेचर भी 36 डिग्री, रूम का टेम्परेचर भाई आप लोगों को 28-29 डिग्री। तो यहां पर टेम्परेचर को इस फोन ने अच्छे से मेंटेन किया, फोन ज्यादा हीट भी नहीं हुआ और 40 मिनट के अंदर 95% चार्ज हो गया। अब देखते हैं फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। फाइनली भाई पूरे 45 मिनट 36 सेकंड के अंदर जो मोटो एच 15 नियो है फुल चार्ज हो चुका है। लेकिन मेरे फोन की जो बैटरी स्टार्टिंग टाइम पर 1% थी, तो यहां पर आपको यही बोलूंगा अगर आपका फोन पूरा डेड है तो 50 मिनट से अप्रोक्स टाइम जो इस फोन को पूरा फुल चार्ज होने में लग जाएगा। बाकी 45 मिनट में फोन पूरा फुल चार्ज हो गया। फुल चार्ज करने के बाद टेम्परेचर की बात करें तो फोन का टेम्परेचर भाई 35 डिग्री देखने को मिलता है। रूम का टेम्परेचर वही आप लोगों को 29 डिग्री एंड चार्जर के टेम्परेचर की बात करें तो भाई वही 35 डिग्री। फोन ज्यादा हीट भी नहीं किया, हीटिंग को उसने अच्छे से मैनेज कर लिया एंड अगर आप लोग इस फोन को बाय करने का प्लान कर रहे थे, इंटरेस्टेड हो बाय करने में, तो इस फोन को पूरा फुल चार्ज होने में 45 मिनट का टाइम लग जा रहा है। तो ये था भाई मोटो एज 15 नियो का चार्जिंग टेस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।